हमारे यहाँ से अच्छा। आपने देखा कि रेल डाक सेवा का ये जो विभाग है एक संदेश देता हुआ मानवता को और देश की गरिमा को बढ़ाता हुआ ये रैली रेलवे RMS की लाजवाब रैली है आज जो सुबह निकाली गई है स्टेशन क्रमांक 1 से। और पूरे क्षेत्र में इस रैली ने घूम घूम कर हर घर तिरंगे अभियान को सफल बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। नमस्कार आदाब, आप देख सकते हैं भारतीय रेल डाक सेवा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके अंतर्गत आज रेलवे स्टेशन क्रमांक 1 पर जो भारतीय रेल डाक सेवा का जो ऑफिस है यहाँ से एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जो पूरे क्षेत्र में घूमती हुई राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को बताएगी और देश भावना की अलग जग आएगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल ही नहीं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है उसकी मिसाल बिल्कुल अनूठी है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ सर, आज रेलवे विभाग भी इससे अछूता नहीं रहा, डाक सेवा जो रेलवे की है उनकी तरफ से एक रैली निकाली जा रही, क्या संदेश है सर? वास्तव में ये रेलवे विभाग नहीं, ये रेल डाक सेवा है और जिसको इंग्लिश में रेलवे मेल सर्विस कहते हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग आज इस तिरंगा यात्रा को शुरुआत कर रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा जो प्रारंभ की जा रही है और तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि घर घर में तिरंगा पहुँचे, सब लोग तिरंगे का महत्व समझें और तिरंगे के जो तीनों कलर हैं उनके बारे में समझें और राष्ट्रीयता की भावना सब में जगे, एकता की भावना सब में जगे और कुल मिला के हम सब भारतीय एक रहें। जिस तरह से मुट्ठी होती है अलग अलग उंगलियां रहती हैं, पावर कम होता है, सब इकट्ठा हो जाते हैं काफ़ी पावर होता है, घुसा बन जाता है। तो इस तिरंगे के माध्यम से ये एक संदेश है कि इस भारत में जितने भर लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, विविध जातियों के लोग हैं, प्रजातियों के लोग हैं, जंगल में लोग रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, सब में एकता रहे ताकि हमारा देश अग्रसर होता रहे, आगे बढ़ता रहे, उन्नत की ओर अग्रसर होता रहे जिस तरह से पहले होता रहा है, यही उद्देश्य है। क्या पूरा नाम है आपका? मैं पुष्पेंद्र सिंह, अधीक्षक रेल डाक सेवा MP मंडल भोपाल। आपने देखा कि डाक विभाग के हर डाकघर में तिरंगा मुहैया कराया जा रहा है और रेल डाक सेवा जो यहाँ पर इसके पूरे कर्मचारियों के अंदर उत्साह और एक ही अलग ही उमंग दिखाई दे रही है, यहाँ से जो पदयात्रा रैली निकाली जा रही है इसका आज हम बहुत खैर मकदम करते हैं। नमस्कार। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आपने देखा कि रेल डाक सेवा का ये जो विभाग है एक संदेश देता हुआ मानवता को और देश की गरिमा को बढ़ाता हुआ ये रैली रेलवे RMS की लाजवाब रैली है आज जो सुबह निकाली गई है स्टेशन क्रमांक 1 से। और पूरे क्षेत्र में इस रैली ने घूम घूम कर हर घर तिरंगे अभियान को सफल बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। मैं आसिफ खान, राजधानी भोपाल। नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा। मैं
देशभक्ति के उसमें हम लोग इधर साथ में लेके आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे अधीक्षक महोदय जी, हमारे एचआरओ महोदय जी, हमारे एसआरएम साहब सभी लोग साथ में हैं और सभी अमृत महोत्सव के अंतर्गत रैली निकाली है, संग्रहालय भी लगे हैं, जगह जगह तिरंगा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर माननीय अधीक्षक महोदय आरएमएस सिंपेडियन भोपाल के तत्वावधान में इस रैली का आयोजन किया गया और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग इस डाकघर की पहल में। सारे हर घर हर तिरंगा हो और डाकघर में हर डाकघर में ये तिरंगे दिए जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं। आप 25 रुपये की छोटी सी मूल्य पर ये तिरंगा लेकर घर पर फहराएँ, उसमें आपका राष्ट्रहित में योगदान होगा। धन्यवाद। भारतीय रेल डाक विभाग की अनूठी पहल है और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए पूरे नारों के साथ और देशभक्ति का एक माहौल पैदा कर दिया राजधानी भोपाल के अंदर। मैं आसिफ खान, रेल डाक सेवा, रेलवे स्टेशन क्षेत्र से भोपाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम रहे हमारा। आज रेलवे डाक विभाग ने भी इतनी अच्छी आपकी ये रैली का आयोजन किया और सर क्या बोलते हैं सर? देखिए डाक विभाग का अगर भोपाल के संस्मरण में मैं बात करूं तो भोपाल की आज़ादी 1 जून को भोपाल की आज़ादी हुई थी और हमारे डाक विभाग के लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है कि जोमेरादी पोस्ट ऑफिस पर आज़ादी का सबसे पहला झंडा इसी भोपाल की आज़ादी के बाद चढ़ाया गया था और डाक विभाग के माध्यम से अभी की सरकार हर घर में तिरंगा झंडा भेजने का कार्य कर रही है। डाकघर के माध्यम से आप झंडा खरीद कर अपने घरों पर, अपने संस्थानों पर, अपने अनुष्ठानों के ऊपर आप झंडे को फहराकर देश की एकता के लिए अपना संदेश दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक गीत की 4 लाइनों के माध्यम से संपूर्ण बात को संक्षेप में कहना चाहूँगा कि हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले और सौभाग्य देश हेतु फिर प्राण का हवन, सौभाग्य देश हेतु फिर प्राण का हवन, अंतिम समय अधर पर जय हिंद हो वचन, फिर तीन रंग वाले, फिर तीन रंग वाले, फिर तीन रंग वाले ध्वज का कफन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। भारत माता की, हर हर गंगे घर घर तिरंगे, वंदे वंदे झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, हर घर तिरंगा भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय, हमारा नारा भाईचारा वंदे मातरम भारत माता की, हम सब एक हैं, जय हिंद जय हिंद, एक है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई, वंदे मातरम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम सब एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।